हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रानीवाड़ा पुलिस की कार्रवाई, लोडेड रिवॉल्वर व चाकू से 3 लग्जरी वाहन जब्त, 10 जने गिरफ्तार। रानीवाड़ा पुलिस ने शनिवार को अवैध हथियार, लोडेड रिवॉल्वर व चाकू सहित के साथ 10 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। थाना अधिकारी पद्माराम राणा ने बताया कि सभी बदमाश नशे की हालत में 3 लग्जरी कारों में सवार थे। इनके कब्जे से लोडेड रिवॉल्वर सहित धारदार चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, मोटर वाहन एक्ट सहित शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। धुत अधिकारी शंकर लाल के निर्देशन में हुई कार्रवाई को लेकर थाना अधिकारी पद्माराम ने बताया कि सभी बदमाश गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें दियोदर निवासी शैलेश पुत्र भूरा भाई रिबारी को बिना नंबरी काले शीशे वाली कार में अवैध धारदार चाकू के साथ, वह धनकवाड़ा दियोदर निवासी रमेश जागरी को 4 जिंदा कारतूस सहित रिवॉल्वर आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। इनको किया गिरफ्तार, पुलिस ने 3 कारों सहित उसमें सवार दियोदर थाना क्षेत्र के 8 अन्य जने अंबिका नगर सोसाइटी दियोदर निवासी केशर अमी भाई रिबारी, लक्ष्मीपुरा सोसाइटी बी के वाघेला स्कूल के सामने दियोदर निवासी मोंटू पुत्र भगवाना भाई रावणा राजपूत, मोजरू पुलिस थाना दियोदर निवासी जगत सिंह पुत्र बलवंत सिंह राजपूत, वार्ता पुलिस थाना दियोदर निवासी अखिराज सिंह पुत्र पर्वत सिंह वाघेला, सिरोही निवासी शाहर भाई पुत्र जामा भाई रबारी, दूसकवाड़ा पुलिस थाना दियोदर निवासी आनंद कुमार पुत्र अमरूद लाल व्यास व किस्मत सिंह पुत्र भवर सिंह राजपूत, वातम पुलिस थाना दियोदर निवासी उत्तम सिंह पुत्र लाख सिंह वाघेला को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में शामिल टीम इस सफल कार्रवाई करने वाले पुलिस जाब्ते में थाना अधिकारी पद्माराम, हेड कांस्टेबल नरसाराम वजाराम, वणाराम देवासी कांस्टेबल मसराराम, नांजीराम देवासी सुखराम, भरत कुमार आसूराम, दिनेश कुमार थे। जागरूक टीवी के रानीवाड़ा से विद्यावर्धन माहेश्वरी की रिपोर्ट।